अगस्त पार नहीं होगा, ट्वीट कर निशिकांत दुबे ने कहा था। अगस्त पार नहीं होगा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा था। यकीन नहीं होता तो आप भी देखिए इस ट्वीट को। इस ट्वीट के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में हंगामा मच गया। लोग सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी से राज्य के हालात को लेकर बात करने लगे। आज 2 सितंबर है और अब अगस्त पार हो चुका है। इससे तो इतना स्पष्ट हो गया है कि इस बार निशिकांत दुबे ने जो हेमंत सरकार को चुनौती दी थी ट्वीट कर, वो सही नहीं हुआ। हाँ, इतना तो हम कह सकते हैं कि उस ट्वीट के सामने आने के बाद अटकलों का बाजार जरूर गर्म हो गया और लोग यह कयास लगाने लगे कि अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म होती है तो झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के भी चर्चा होने लगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से जारी रहा। इन सब के बीच विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया। इस वक्त विधायक रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में रह रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। लाइव लगातार के लिए रांची से रेखा मिश्रा की रिपोर्ट।